फ्रेंड्स, थंबनेल आपने देख लिया होगा, भारती एयरटेल का लास्ट दांव यहां पे भारती एयरटेल ने चल दिया है फिर से दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यहां पे भारती एयरटेल ने, जो आज 21 तारीख को मंगलवार को यहां पे फाइनल यहां पे हियरिंग आने वाली है। जजेस देखेंगे, पूछ फिर से देखेंगे कि क्या होने वाला है। एयरटेल ने अपना लास्ट दांव, क्योंकि 23 जनवरी को, यस दोस्तों, दो दिन के बाद 23 जनवरी को यहाँ पे जो डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पैसा जो है एजीआर का यहाँ पे डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार को यहाँ पे देना है कंपनियों को, खास करके वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को, तो ये पैसा ना जाए या उसमें कुछ रियायत मिल जाए, इसलिए फिर से अंतिम बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यहाँ पे एयरटेल ने। तो क्या है पूरी की पूरी न्यूज, किस तरह से दोस्तों एयरटेल जो है इससे उम्मीदें बना के बैठा, अगर यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज नहीं आती तो एयरटेल किस तरह से सर्वाइव करेगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नोनील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नोनील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं 10-12 से लेकर ऑलमोस्ट 15-15 साल तक ये मैटर चला एजीआर का, जिसको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बोला जाता है। सारी की सारी कंपनियां जो अपनी कमाई थी उसका दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करती थी और जो दूसरे बिजनेस थे उसके जो प्रॉफिट था यहां पे सरकार को नहीं दिया करती थी। तो ये एजीआर की जो नई डेफिनेशन थी, 24 अक्टूबर को नया जजमेंट यहां पे आया सुप्रीम कोर्ट का, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे एजीआर की नई डेफिनेशन क्लियर कर दी कि आपको दूसरा पैसा भी यहां पे देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि उस पे सरकार का यहां पे कानून बनता है। उसके साथ-साथ जो 12-13 साल तक इन्होंने पैसा नहीं दिया था, जो ड्यूटीज नहीं दी, जो टैक्सेस पेनल्टीज वगैरह नहीं दी थी, एजीआर के ड्यूज नहीं दिए थे, उस पे पेनल्टीज और बहुत कुछ लगाते हुए यहां पे टोटल टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो यहां पे एजीआर का ड्यूज निकलता है वो ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ समथिंग निकलता है। खास करके वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की ही बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ यहां पे देना है भारत सरकार को। इसीलिए इन दोनों ही कंपनी ने, भारतीय एयरटेल ने बात की जाए तो ऑलमोस्ट 23 से 24 हजार करोड़ का एक सिंगल क्वार्टर में नुकसान दिखाया, वोडाफोन आइडिया ने एक सिंगल क्वार्टर में ऑलमोस्ट 50 हजार करोड़ का नुकसान दिखाया था, यह बताने के लिए कि हमारी हालत बिल्कुल खराब है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पे भारतीय एयरटेल ने और वोडाफोन आइडिया दोनों ही कंपनी ने यहां पे रिव्यू पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज इसमें कुछ करिए, इसके अंदर हमारे कुछ पेनल्टीज वगैरह कम कर दीजिए, फिर से आप देखिए इसके बारे में, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन यहां पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहां पे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज फिर से, आज मंगलवार है, कल मंडे को इन्होंने डाली थी पिटीशन जिसकी आज यहां पे हियरिंग होने वाली है। फिर से एयरटेल को उम्मीद है कि यहां पे शायद तक सुप्रीम कोर्ट कुछ हमारे लिए भला कर दे और शायद हमें यहां पे कुछ राहत मिल जाए। खास करके कंपनियों को दावा यहां पे जो रिक्वेस्ट कंपनी की, जो पेनल्टीज लगाई गई है उसमें हमें राहत दे दीजिए, जो एजीआर के ड्यूज हो तो हम देंगे, लेकिन उस पे जो पेनल्टीज लगी, क्योंकि बात की जा रही है कि यहां पे 75% यस 75% जो है वो पेनल्टीज लगी हुई है, क्योंकि जो टोटल यहां पे जो पैसा है एजीआर का उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बता दूं, उसके अंदर बताया गया कि यहां पे लाइसेंस फीस है, स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस है, इसको एयूसी बोला जाता है, इंटरेस्ट है उसके ऊपर पेनल्टीज है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी पेनल्टीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें खास करके 75% बोला जा रहा है कि खास करके पेनल्टीज है, तो पेनल्टीज अगर हट जाती है तो ये अमाउंट जो होगी 75% का यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिल जाएगा, बहुत कम अमाउंट यहाँ पे हो जाएगी। तो सारी की सारी कंपनियां ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ ऐलान करे, कुछ यहाँ पे इनको थोड़ी राहत दे दे, लेकिन फिलहाल उसके चांसेस बहुत कम यहाँ पे लग रहे हैं। आज फाइनली क्या डिसीजन आएगा वो मैं आपको डेफिनेटली कल बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल गई कि एयरटेल ने अपना अंतिम दांव यहाँ पे फिर से चला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाके यहाँ पे गुहार लगाई है कि प्लीज हमें कुछ राहत दे दीजिए एजीआर वाले मामले में, खास करके पेनल्टीज के ऊपर हमें अगर यहाँ पे कुछ राहत मिल जाती है तो अच्छा होगा, सरकार हमें कुछ राहत देती है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है 3 महीने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, 24 अक्टूबर का जजमेंट था जहां पे बताया गया था कि 23 जनवरी तक आपको ये ड्यूज जो है दे देने, क्योंकि जो 10-12-15 साल से आपने रोक के रखा था पैसा उन सभी को पेनल्टीज के साथ विद इंटरेस्ट आपको यहां पे 23 जनवरी तक दे देना है। आज 21 जनवरी है, 2 दिन के बाद, यानी 1 दिन के बाद ही समझ लो आप, 23 जनवरी को यहां पे डेडलाइन है जो पैसा इन्हें डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देना है। तो एयरटेल जो है फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो, अगर फाइनेंशियली बात कर ली जाए तो एयरटेल इतना टेंशन में नहीं है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल एयरटेल के पास इतना पैसा है कि वो एजीआर में अगर कुछ राहत नहीं मिलती तो भी ऐसे वैसे करके मैनेज कर लेगा, क्योंकि उसकी जो पॉकेट है वो बहुत डीप है। शेयर मार्केट में एयरटेल का शेयर जो है अभी भी बढ़ रहा है, कंपेयर टू अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वो ऑलमोस्ट 33% गिर गया, बस पीनट्स के रेट में, बस चाय की कटिंग जितना रेट आ गया, एयरटेल का शेयर जो है अच्छा खासा भाग रहा है। एयरटेल ने अपने एक्सपेंडिचर को अच्छा खासा बनाया
करना है। एयरटेल को आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंशियल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एयरटेल इतना भी वो नहीं कि अपनी सर्विस को शट डाउन कर देगा। एयरटेल 5G के लिए भी यहाँ पे ट्रायल के लिए यहाँ पे आवेदन दे चुका है, तो एयरटेल अभी चाहता है कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता, तो डेफिनेटली हर कंपनी चाहती है कि हमें थोड़ा कम पैसा देना पड़े। तो यहाँ पे एयरटेल का फाइनल दाव ये है, जहां पे एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि कुछ यहाँ पे राहत दे दी जाए। अगर ये राहत नहीं मिलती तो एयरटेल को क्या होगा, सरकार कुछ राहत देगी यहाँ पे, सरकार कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देगी, ये तो नेक्स्ट है। लेकिन 23 तारीख यहाँ पे आ चुकी है, जो डेडलाइन है 23 जनवरी वो आ चुकी है, जहां पे इन्हें अपना पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट जो आई थी भारतीय एयरटेल की तरफ से, कि भारतीय एयरटेल ने फिर से अंतिम बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बोला है कि प्लीज कुछ राहत हमें यहाँ पे दे दी जाए, खास करके जो पेनल्टीज है उसके ऊपर अगर कुछ राहत मिल जाती तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर होगी भारतीय एयरटेल के लिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे ये बताइए कि क्या सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या इन्हें मदद करनी चाहिए या फिर डंडा कड़क रखना चाहिए और इन लोगों से पैसा पूरा लेना चाहिए जो आपका और मेरा टैक्स का पैसा है फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, एक थम्स अप तो बनता ही, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा आपको एक घंटे का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, और सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ फ्रेंड्स। तब तक ले बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।